दिल्ली नगर निगम के 13,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार पर बकाया की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरने में जुटी है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जन जागरण अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैनर लगाकर दिल्ली सरकार से 13,000 करोड़ बकाया देने की मांग कर रहे हैं। गणेश नगर इलाके में इस अभियान में शामिल हुए स्थानीय निगम पार्षद गोविंद अग्रवाल ने कहा कि दिल्ली के तीनों निगमों का दिल्ली सरकार पर 13,000 करोड़ रुपए बकाया है, जिसकी वजह से निगम गंभीर आर्थिक हालात से गुजर रहा है। दिल्ली सरकार का पैसा नहीं देने की वजह से नगर निगम अपने कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पा रहा है। गोविंद अग्रवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार से बकाया की मांग को लेकर दिल्ली के तीनों निगमों में अपने पार्षदों के साथ मुख्यमंत्री आवास पर 13 दिनों तक धरने पर बैठे रहे। इसके बावजूद भी दिल्ली सरकार ने निगम का बकाया नहीं दिया। इस कार्यक्रम में शामिल बीजेपी नेताओं का कहना है कि आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल सरकार बीजेपी समेत नगर निगम को बदनाम करने के इरादे से निगम का पैसा नहीं दे रही है। देखिए, कहने को वो कुछ भी कहते रहे, MCD ने किस मद में उनका देना है जो बकाया है, या कब उन्होंने ज्यादा दे दिया जो बकाया है। वो चौथा वित्त आयोग की रिपोर्ट तो उन्होंने लागू ही नहीं करी, पांचवें से भी उन्होंने सारी कटौती कर रखी है। प्लान फंड में वो कुछ 1 रुपया दे नहीं रहे हैं। जो पैसा वो कुछ देते भी हैं तो वो कहते हैं पुराने लोन का हमने एडजस्ट कर लिया, काट लिया। इस समय कोविड काल में भी उन्होंने जो कुछ रकम देने की बात की उसमें कहते हैं जी 216 करोड़ रुपया आपका पुराना ब्याज बनता है। एक राज्य सरकार स्थानीय निकाय को पैसे दे रही है और बेशर्माई की हद देखिए कि वो कह रहे हैं कि हमारा पुराने लोन पर ब्याज बनता है। हम कौन सा लोन मान रहे हैं? अरे, हमारा जो हक का पैसा है, हमारे कर्मचारियों की तनख्वाह का पैसा है, टीचर्स का पैसा है, डॉक्टर्स का पैसा है, सफाई कर्मचारियों का पैसा है, पर्यावरण सहायकों का पैसा है, वो देना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, संवैधानिक व्यवस्था है। आज हमें प्रदेश से हमें जो सूचना मिली थी आज के कार्यक्रम की OBC मोर्चा को, तो आज हमारा पूरे जिले में 7 जगह हमारा कार्यक्रम था, जो अक्षरधाम मंदिर था, गाजीपुर चौक था, और लक्ष्मी नगर था, मदर डेयरी था, और अपना आनंद विहार पे था। तो इस तरह का कार्यक्रम जो है 7 जगह पे हमारे पूर्वी लोकसभा में रखे गए थे प्रदेश अध्यक्ष जी के अनुसार। तो हमारा जो कार्यक्रम रहा वो यही था कि MCD का जो बकाया 13,000 करोड़ रुपए है, हम उसे पब्लिक में मैसेज दें कि भाई हमारा पैसा जो है केजरीवाल जी वापस नहीं दे रहे हैं, या हमारे MCD को जो पैसा देंगे तो MCD के जो रुके हुए कार्य हैं वो पूरे किए जाएं, जिसकी वजह से वो आए दिन जो है धरना प्रदर्शन करते रहते हैं कि हाँ भाई MCD के जो निगम पार्षद हैं या निगम का काम जो है ना ये जान करके नहीं कर रहे हैं, ताकि निगम विकास कार्य ना करे, जिसका लाभ आम आदमी पार्टी को आगामी चुनाव में मिल सके। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।